कुरकुरे पॉपकॉर्न कुरकुरे भी मिलेंगे यहां से। और ये रहा ओ यस, या जो पैकिंग के शशकी है ना, ऐसे लगता है कि मैं पी रहा हूँ रेडबुल यार। और ये दिल्ली के फेमस दही के शोले। हाँ दही के शोले, मैगी जी, के अंदर वेजीज। वैसे तंदूरी तड़का मैगी है अच्छी जी। तंदूरी तड़का मैगी है। अब ये जाएगी अपनी में। और ये हमारे ब्रेडिंग है इंडियन स्टाइल फ्रेश एंड हॉट क्रिस्पी पफ। आलू टिक्की नूडल बर्गर, यकीन माने ये उड़ा देगा आपकी रातों की नींदें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बीएन व्लॉग्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत के साथ होंगे और मजे से होंगे। आज के व्लॉग का सीन ये है कि मैं आ चुका हूँ बनी बे, जो कि कनाडा का फर्स्ट इंडियन कैफे और कैंडी स्टोर है। चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी इंडियन कैंडी, स्नैक और मजे मजे के स्ट्रीट फूड हैं। तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अक्स, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया जी, आप बताएं। मैं ठीक ठाक। तो स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे? हम स्टार्ट करते हैं जी चापट से। बचपन की वो आइटम है जो सारे खाते होते थे। चापट। ओए होए होए यार, क्या बात है ये। 5 रुपीज इंडियन। अपने पास चांद सितारे आ गए हैं यहाँ पे। चांद सितारे क्या चीज है? ये भी गोलियां होती हैं जी, बहुत पसंद है आजकल सबको। अच्छा, हाजमोला है? होए हाजमोला है जी, एक छोड़ो तीन तीन फ्लेवर है। हाजमोला के गाइस, तीन तीन फ्लेवर है इनके पास। ऊपर से ये जो पैकिंग है, ये भी हाजमोला ही है। ये भी सतमोला है, काइंड ऑफ हाजमोला ही है। और जो इसकी प्राइस है गाइस, वो है $5.99। बड़ी रीजनेबल प्राइस है यार इसकी तो। पैक ऑफ 12। पैक ऑफ 12। तो आप इधर उसके आ जाओ। अलावा ओए होए होए, बचपन की जीजियां, बिल्कुल जी, जो छोटे छोटे पैकेट पाकिस्तान में मैं ऐसे परचेज करता था बचपन में। गली के अंदर आता था एक आदमी, यार ले लो जीजियां ले लो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये मैंगो वाइट हो गई। हमारे पास सारी तरह की कैंडीज हैं यहाँ पे। अच्छा, हमारे पास इमली लड्डू आ गए, मलाना का इमली लड्डू आ गया इमली लड्डू, जी। बिल्कुल सर, क्या चीज है ये? ये लड्डू है पूरा इमली का, खा नहीं, के देखो। नहीं यार वाकई मैं ट्राई करता हूँ इमली लड्डू। यार इमली लड्डू का नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। मजा आ गया यार। फिर हम आ जाते हैं चिप्स एंड वेफर्स के सेक्शन में। अपने पास सारे बिंगो के फ्लेवर्स हैं। यहाँ पे मखाने आ गए, यहाँ पे सबके फेवरेट फन फ्लिप, ओएस, इंडियन चॉकलेट्स आ गई जी। सब कुछ है हमारे पास। ओएस भी बिल्कुल है सर, मैंने सुना यार इंडियंस बहुत खाते हैं इसको। बिल्कुल खाते हो, सारे फ्लेवर्स में अवेलेबल है। हल्ली गुल्ली हल्ली गुल्ली, स्वाद आ गया यार। बिल्कुल सर। ये क्या है? फिर हम आ जाते हैं अपने प्रीमियम सेक्शन में। बचपन की सबसे पुरानी याद, मधुर इमली। इमली का मधुर गोला इमली। है ये भी, अगेन इसमें शुगर कोटेड होते हैं सर। यार ये पाकिस्तान में तो नहीं मिलते, ये सिर्फ मिलते इंडिया में होंगे, मिलेंगे। आपने नहीं खाए। अच्छा, मैंने नहीं खाए। इसका टेस्ट बेस्ट होता है आप लोगों का बहुत ही बढ़िया हो, वाकई में? बिल्कुल। ट्राई कर लेते हैं यार साथ साथ। कैन की पैकिंग में आता है, बिल्कुल फ्रेश। ओए होए होए यार, पैकिंग तो चेक करो, इसने मुझे घुमा के रख दिया यार। इसका मतलब खराब होने का डर भी नहीं है। प्रॉपर बिल्कुल बिल्कुल, शशकों के साथ आप इसको ट्राई करें, क्या टेस्ट कर लो। बात है यार। दम है यार, हाँ जी, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं भेलपुरी, वो भी इंडियन फैशन में। पूरा 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 इंडियन टशन होगा। जी पूरा। ओए होए होए, डाला जा रहा प्याज, फिर बारी आती है टमाटरों की। ये रही पार्सली, अब क्या डलेगा? ग्रीन चिली। ये कौन सी सॉस है? हरी चटनी हरी सॉस। चटनी है सर, स्पेशल। अब ओए होए होए, अब लगाया जा रहा लेमन का तड़का। ये क्या है? ये कौन सा स्पेशल मसाला है? मसाला है सर, कौन सा? अच्छा, स्पेशल मसाला। स्पेशल मसाला है, इसको डिस्क्लोज नहीं करना। बारी आती है हमारे पेरी पेरी पास्ता की। सबसे पहले डाला गया ओए ला बारी है। गार्लिक, हाय हाय हाय, बिल्कुल गार्लिक। स्पेशल, फ्रेशली फ्रेश वेजीज डालते हैं। तो ये फ्रेश वेजीज होती हैं, बिल्कुल जी, डेली आप लोग फ्रेश लाते बिल्कुल हैं। जी। हमारे लोगों को प्याज बहुत पसंद है, प्याज पहले ही ज्यादा डाल देते हैं। अच्छा, पहले ही ज्यादा डालते हैं ताकि शिकायत का मौका ना मिले। बिल्कुल जी, तो अच्छे से हम सौते करते हैं। ये हाउस मेड स्पेशल सॉस है। हाँ अच्छा, ये हाउस मेड स्पेशल जी, सॉस है। स्पेशल सॉस है सर। चिली सॉस या पेरी पेरी सॉस है? ये सस्पेंस रहने देते अच्छा, हैं। ये सस्पेंस रहने देना।
अच्छा पूरे इंडियन स्टाइल में तैयार किया जा रहा पास्ता, क्या बात है यार। इसमें स्पेशल एक मसाला भी जाएगा सर अभी। कौन सा मसाला है? ये भी सस्पेंस रहने दो। अच्छा ये हर चीज सस्पेंस ही रहने दे आज तो। स्पाइस भी मिलेगा आपको, क्रीमीनेस भी मिलेगी, टेक्सचर भी बहुत अच्छा मिलेगा। और जो प्रेजेंटेशन है वो तो लाजवाब होने वाली है। अच्छा ये जी अमृतसरी ऑथेंटिक फिश स्पेशल रोस्टेड मसालों के साथ ओवरनाइट इसको मैरिनेट करते हैं, पर बढ़िया से तेल में इसको फ्राई करते हैं। यार मैरिनेशन तो ईवीएस की बड़े कमाल की। अब देखते हैं कि इसका फ्लेवर कैसा है। जल्दी से कर दो इसको फ्राई। तो गाइज आ चुका है मेरा ऑर्डर, ये रहा पेरी पेरी पास्ता। जल्दी से करता हूं मैं इसको ट्राई। स्पाइसी सॉसी पास्ता यार, मजा आ गया, बड़े कमाल का फ्लेवर आ रहा है। अगर तो खाते हो ना थीका तो इसको मस्त ट्राई करना, मजा आ जाएगा। ये रहा मेरा क्लब सैंडविच, वेज क्लब सैंडविच। वो भी मसाला फ्राइज के साथ। स्वाद आ गया। क्लब सैंडविच को मैं ट्राई करता हूँ तंदूरी सॉस के साथ। बहुत आला। जो सैंडविच सर्व किया जाता है वो तंदूरी सॉस और मायो सॉस के साथ किया जाता है। अब बारी आती है फ्राइज की मायो सॉस के साथ। अच्छा फ्लेवर आ रहा है यार। स्ट्रीट फूड की बात करो और पफ पैटीज ना हो ऐसा हो सकता है। चेक करें क्रिस्पी क्रिस्पी पफ पैटीज, मैं कहता हूँ क्या बात है यार। मस्ट ट्राई देयर यार पफ पैटीज। आलू वाली पैटी तो बड़े कमाल की है। आप ट्राई करते हैं चिली चीज पैटी की। इसका टेस्ट भी अच्छा है। फीलिंग चेक करें, अंदर तक फीलिंग की हुई है जो कि बड़ी कम मिलती है कनाडा के अंदर। अब मैं जो चीज ट्राई करूंगा ना वो है मेरी सबसे फेवरेट आलू टिक्की नूडल बर्गर। यकीन माने ये उड़ा देगा आपकी रातों की नींदें। सॉसेस नूडल्स और आलू वाली टिक्की के साथ जो फ्लेवर आ रहा है मैं कहता हूँ उसका लेवल ही कोई और है। अभी तक का कनाडा का बेस्ट आलू टिक्की नूडल बर्गर, इसको एक दफा जरूर ट्राई करना। बनी बेस है बेलपूरी। मैं तो रास्ते से जा रहा था, ये वो वाला गाना मुझे याद आ गया बेलपूरी ट्राई करने से पहले। इसका भी टेस्ट मजे का है। ये रही अमृतसरी स्टाइल में फिश, बड़ी जबरदस्त फ्राई हुई हुई है। क्रिस्पी क्रिस्पी फिश यार,
हरी चटनी के साथ। जो मैरिनेशन है यार बहुत आला। दिल्ली वाले दही शोले, चस आ गया यार। मैं कहता हूं यार खीर चेक करें, बहुत आला यार। ट्राई करता हूं हरी चटनी के साथ। क्रंची क्रंची क्रिस्पी क्रिस्पी टेस्ट आ रहा है, और जो योगर्ट की स्टफिंग है क्या ही बात है। पहाड़ों वाली दिल्ली वाली मैगी, या इसको तंदूरी पहाड़ों वाली मैगी भी कह दें आप, क्योंकि इंडियन स्ट्रीट फूड मैगी के बगैर अधूरा है। जिसे कहते हैं ना मसालेदार मैगी, वो ये वाली है। ये रही मेरी कड़क चाय। ये भी जबरदस्त है यार। मीठा ना होना तो मजा ही नहीं आता। मीठे में आ चुकी है हमारी ब्राउनी, नट्स चॉकलेट सॉस। मैं कहता हूँ यार प्रेजेंटेशन तो है बड़े कमाल की। आइसक्रीम शाइसक्रीम डाली हुई है। और टेस्ट भी है मजे का। तो गाइज ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ मेरा आज का व्लॉग लगा होगा आप लोगों को अच्छा। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो चैनल पर लाइक कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की अपडेट मिल सके।